जमशेदपुर में पुलिस ने नशे का अवैध कारोबार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और 147 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लाखों बताई जा रही है। आपको बता दें कि नशा तस्कर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार और बंगाल से झारखंड के सभी जिलों में गांजा तस्करी करते थे। इस सूचना के आलोक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके साथ जमशेदपुर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, और जिसके द्वारा आज सुबह अर्ली मॉर्निंग छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दो घरों से, एक घर है जो मोहम्मद सहजमान, जो जवाहर नगर रोड नंबर 14 में है, उनके घर से 79 kgs, और जो दूसरा है मोहम्मद सज्जाद, उसके घर से 68 kgs गांजा की बरामदगी की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।